डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन और डेटा से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 11th के और 12th के सिलेबस में तो ये है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बेसिक क्वेश्चंस जो है वो इसके ऊपर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये देखो बाकी की जो कहानी है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट मेन आप चीज सुन लो। डेटा इज वॉट समथिंग विच इज रॉ। रॉ मतलब जो अभी कच्चा है, जिसको अभी पकाया नहीं है, दैट इज व्हाट अ डेटा। मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करके रख लिया है, बट अभी तक हमने उसको प्रोसेस नहीं किया है। जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, अब आप पूछोगे सर प्रोसेस मतलब क्या, जैसे डेटा को पहले क्लीन करते हैं, मतलब उसमें से अगर कोई एम्प्टी डेटा है, कोई खाली कॉलम्स है उसको पहले हटाएंगे, कोई डुप्लीकेट डेटा है उसको डिलीट करेंगे, वो सारी चीजें क्लीन करने के बाद हम उस डेटा के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस लगाते हैं और उन ऑपरेशंस में से हम निकालते हैं फिर इंफॉर्मेशन। So what is the information? It is a processed data. You can say it is a processed data. और फिर उस processed data का करना क्या है, उस information का करना क्या है, उसके basis पे फिर लिए जाते हैं decisions. Decision. जैसे simple से example देता हूँ। Let's say Apple ने कोई store open करना है। अब वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी open कर लेगी, कहीं पे भी open कर लेगी, नहीं। They always do the research work. First of all वो survey करते हैं, research work करते हैं, data को collect करेंगे, data के basis पे फिर information निकालेंगे और उस information पे वो finally decision लेते हैं जो higher authorities होती हैं कि हमें open करना चाहिए store, कहाँ करना चाहिए, किस level का करना चाहिए, वो सारी चीजें फिर decide होती हैं। So this is what decision making। और ये इस तरीके से चलता, चाहे आप मैकडी की बात कर लो, केएफसी की बात कर लो, बड़ी बड़ी चेन्स जो भी है वो इसी के दम पे ही वर्क करती हैं। तो डेटा, कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर्स एवरीथिंग एज अ डेटा, मतलब कंप्यूटर के लिए सब कुछ जो है वो डेटा है। और डेटा से भी आप ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हो फाइल है। कंप्यूटर के लिए हर चीज क्या है, एक तरह से फाइल है, कीबोर्ड भी, मॉनिटर भी, और जो जो नॉर्मल डेटा होता है जैसे डॉक है, पीडीएफ है, MP3, MP4, वो सारा एक तरह से क्या है, डेटा की तरह कंसीडर करते हैं। सो डेटा इज अ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड, अभी तक उसको कोई ऑर्गेनाइज किया, बट जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजों को हम थोड़ा सा टैकल करते हैं प्रॉपरली, तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन, जिसको हम प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है, पिक्चर, सॉन्ग, वीडियोज, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, बहुत सारा डेटा से हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। सिंपल से एग्जांपल ले लो यार, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे देखो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। आप उसमें जो है वो जैसे कोई पोस्ट कर रहे हो या ट्वीट कर रहे हो, वो एक तरह से टेक्स्ट हो गया। आप उसमें कोई फोटो डाल रहे हो, पिक्चर डाल रहे हो, इमेज डाल रहे हो, कोई वीडियो डाल रहे हो। सो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ डेटा जनरेशन। देन टाइप्स ऑफ डेटा की अगर हम बात करें, तो टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास आ जाते हैं तीन तरीके। एक आता है स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। मेनली तो दो ही है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, बट आप तीनों ही याद रखो क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आप सेमी स्ट्रक्चर को मत भूलना, उसको भी लिखना है। और ये टॉपिक पता क्यों आ रहा है, अब ये टॉपिक पिछले 4-5 सालों से बड़ा पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज ऑफ बिग डेटा कॉन्सेप्ट। अब बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिपल वी की बात करते हैं, वी, दैट इज वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, कि इतना वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है और इतनी वेलोसिटी से, स्पीड से जनरेट हो रहा है, और उसकी वैरायटी भी अलग अलग है। जैसे स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा मतलब ऐसा डेटा जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, जिसको पूरा का पूरा एक प्रॉपर मॉडल में हम लोग फिट कर सकते हैं, जैसे ओरेकल से, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर से, MS एक्सेस से, हम लोग इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में डेटा जनरेट करते हैं डेटाबेस, तो वो आपका एक तरह से रिलेशनल डेटाबेस क्या है, स्ट्रक्चर डेटा। आपने अगर इसके ऊपर काम नहीं किया एज ए 11th 12th स्टूडेंट, अगर आपने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो आप एक्सेल की शीट्स तो आपने देखी होंगी, स्प्रेडशीट्स आपने देखी होंगी, आप उसको कह सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, दैट इज अ स्ट्रक्चर डेटा, जिसके ऊपर इजीली फंक्शंस लगाए जा सकते हैं, इजीली डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फिर आ जाता है जी अनस्ट्रक्चर डेटा। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अगर पूरे अर्थ पे, आप लेट्स सपोज कि पूरे अर्थ पे एक्स अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब पेटाबाइट जेटाबाइट में डेटा होगा, लेट्स से कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ डेटा है, तो मजेदार बात यह है कि 80% से भी ज्यादा का क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। सिर्फ 10% आप कह सकते हो स्ट्रक्चर्ड है, और लेट्स से रेस्ट ऑफ 10% इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। मतलब एक तरह से मान के चलो कि 80% से भी ज्यादा का ही आपका
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब अनऑर्गेनाइज डेटा। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आपने एक्स वाई जेड कोई वेबसाइट ओपन की, उसमें देखोगे ना कभी टेक्स्ट लिखा हुआ है, साइड में पिक्चर आ गई, नीचे कोई वीडियो आ गई, फिर कुछ और आ गया, मतलब एक कोई ऑर्गेनाइज वे से नहीं है। कोई और वेबसाइट खोली उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, कोई और वेबसाइट खोली उसमें वीडियोज हैं, कोई और वेबसाइट खोली उसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑल और स्पेशली सोशल मीडिया से जो डेटा जनरेट हो रहा है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। सिंपल सा यार, आप कोई भी लेट से कोई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी उठा लो, आपने कोई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट उठाई, उसमें क्या होता है, हम टेक्स्ट भी लिखते हैं, उसमें हम टेबल्स भी बनाते हैं, उसमें हम पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स भी बनाते हैं, उसमें हम डिफरेंट इमेजेस को यूज करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर में नहीं होता। किसी और फाइल को उठाओगे उसका स्ट्रक्चर किसी और तरीके से होगा। सो दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और ये सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है। मतलब आप अगर बात करो फेसबुक की, यूट्यूब की, गूगल की, तो दे आर डीलिंग विद पेटाबाइट जेटाबाइट ऑफ द डेटा, और डेली बेसिस पे वो डेटा बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है। ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड आ जाता है दोनों के बीच में, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर, जो अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में। मतलब आप इसका बेस्ट एग्जांपल कह सकते हो कि जैसे ईमेल डॉक्यूमेंट। अब ईमेल जो है एक स्ट्रक्चर है, लेकिन हर एक ईमेल का एक अलग जो है वो कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे आपने किसी को ईमेल भेजी, उसमें अकेला टेक्स्ट भेजा, किसी को ईमेल भेजी साथ में कोई आपने डॉक्यूमेंट लगा दिया, अब उस डॉक्यूमेंट में भी अलग अलग चीजें हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, काइंड ऑफ एचटीएमएल पेज जिसके अंदर प्रॉपर टैग्स है, प्रॉपर सारा कुछ है, लेकिन डेटा जो है उसके अंदर काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर हो सकता है। सो दिस इज व्हाट अ डेफिनेशन ऑफ सेमी स्ट्रक्चर, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। देन डेटा से रिलेटेड अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो सिंपल से डेटा कैप्चरिंग, डेटा को पहले कैप्चर करना जरूरी है। जैसे आपने अगर ETL के बारे में सुना हो, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड, मतलब सारी की सारी कंपनीज, कोई भी रिटेल कंपनी की बात कर लो आप, लेट से बिग जो बिग बाजार की बात कर लो या रिलायंस ट्रेंड की बात कर लो, तो उसके बहुत सारे आउटलेट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, इवन बाहर भी आउटलेट्स होंगे। वो लोग डेली बेसिस पे लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं तो बिल के टाइम पे वो स्कैन करते हैं ना, बार कोड स्कैन करते हैं, आपका नेम पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं, मे बी आपकी मेंबरशिप बनाते हैं, तो वो सारा डेटाबेस जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को कैप्चर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। कैप्चर करने के बाद उस डेटा को स्टोर किया जाता है, मतलब वेयरहाउस कह सकते हो, डेटा मार्ट बोल सकते हो, या हम इसको बोलते हैं ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। वो करने से पहले हमें उस डेटा को स्टोर करना पड़ता है, और स्टोर मतलब ये नहीं है कि हमारी एक टेराबाइट इनफ है या दो। हमारे लिए आज के टाइम पे देखो एक टेराबाइट ऑफ डेटा, मतलब हम लोग अपने सिंपल लैपटॉप में एक एक टेराबाइट, दो दो टेराबाइट ऑफ डेटा जो है वो कंटेन करके बैठे हैं, तो कंपनीज के पास कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो उसको स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज है वो भी बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया, नेटवर्क्स होते हैं सैन नैस बहुत बड़े बड़े, जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीव करने का मतलब क्या है, डेटा को आपने वेयरहाउस में स्टोर कर लिया, वेयरहाउस में आपने स्टोर कर लिया, अब उसके ऊपर जब हमने ऑपरेशंस लगाने हैं तो उसको रिट्रीव किया जाता है, मतलब कोई एप्लीकेशन के थ्रू, कोई फ्रंट एंड के थ्रू उसको डेटा को रिट्रीव किया जाएगा, और रिट्रीव करके उसके ऊपर ऑपरेशंस को लगाया जाता है। जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है, उनके ऊपर डेटा के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को लगा के डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है। देन डेटा डिलीशन, डेटा डिलीशन का मतलब क्या है, जैसे जनरली हम डेटा को सिंपली अपने लैपटॉप भी बहुत सारा डेटा डिलीट करते हैं, लेकिन डिलीट करने का मतलब पता है क्या है, बेसिकली होता क्या है डिलीशन में, कि लेट से आपका इस तरीके से डेटा जो है वो बहुत सारा पड़ा था, और आपने लेट से कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर दिया, तो होता क्या है ना, हर एक डेटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक एड्रेस जो है, मतलब आपका लेट से एड्रेस है 100101102103, इस तरीके से डेटा जो है वो एड्रेसेस में पड़ा है। लेट से आपने कुछ डेटा डिलीट करना है, आपने तो डिलीट कर दिया, आपने तो डिलीट पे प्रेस कर दिया, बट होगा क्या, लेट से वो डेटा था आपका 100 एंड 101 लोकेशन पे, तो होगा क्या, ये जो एड्रेस का कनेक्शन है इसको खाली कर देते हैं, मतलब एड्रेस की जगह नल भर देंगे, और उससे लगेगा क्या कि डेटा डिलीट हो गया, बट डेटा पड़ा है, लेकिन उसके तरफ जो एड्रेस जा रहा था, जो सड़क जा रही थी, जो गली जा रही थी, वो हमने क्या कर दी, बंद कर दी, तो इसको बोलते हैं एक तरह से डेटा डिलीशन। लेकिन ये जनरली क्यों किया जाता है, क्योंकि डेटा को रिकवर भी करना पड़ सकता है, गलती से भी डेटा आपसे डिलीट हो गया, तो आप रिकवर कैसे करोगे, तो रिकवरी के बहुत सारे टूल्स आते हैं, फ्रीली अवेलेबल भी हैं, तो उससे आप डेटा को रिकवर करोगे तो वो दोबारा एड्रेस जो है वो उसकी तरफ क्रिएट कर देता है। लेकिन जैसे हम कई बार शिफ्ट डिलीट करते हैं, परमानेंट डिलीट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डेटा जो है वो परमानेंटली आपका डिलीट हो जाता है, सिर्फ एड्रेस डिलीट नहीं होता, परमानेंटली डिलीट, इवन अगर ओवरराइट भी होकर, मतलब कई बार क्या होता है कि डेटा को ओवरराइट भी
कर देते हैं। ओवरराइट करने का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है उसकी जगह हमने कुछ और जो है वो लिख दिया, तो ओवरराइट से ऑटोमेटिकली प्रीवियस वाला डेटा जो है वो डिलीट हो गया। तो दीज आर दी वेरियस यू कैन से टेक्निक्स विच आर एक्चुअली हैपन ऑन द डेटा। थैंक यू।